तो क्या हम लोग का गेम में भाई न्यू ट्रेन आ चुकी है और इसका सीक्रेट कोड आ चुका है, देखते हैं अभी डाल के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये कि अगर हम किसी कंटेनर या बिल्डिंग या किसी भी चीज के ऊपर कुछ सामान रखते हैं तो दूसरा सामान उसके ऊपर रखा जा सकता है। तो गाइस, इसके लिए पहले हम लोग एक चीज मंगाते हैं, जैसे कि कंटेनर C1 अगर हम डालते हैं RGS टूल में तो हमारे सामने एक कंटेनर आ जाएगा। अब हम नीचे से अगर कुछ स्पॉन करने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने R1 से रैंप मंगाया है और रैंप ऊपर तो नहीं आया है, क्या इसके अंदर आ चुका है? रैम कहाँ है देखते हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं और जा चुका है। अच्छा, ये पीछे स्पॉन हो चुका है और रैम तो यार वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। थोड़ा मैं यहाँ पे स्पॉन करके देखता हूँ R1 से रैम को और देखते क्या इसके ऊपर स्पॉन होता है क्या। अभी भी नहीं हुआ, अभी भी पीछे हो रहा है क्या? मुझे लग रहा है इसका साइज गाइज बहुत बड़ा है तो ये नहीं हो पाएगा, कुछ और स्पॉन करना पड़ेगा, जैसे कि एक पोल स्पॉन करते हैं जो कि हो जाएगा गाइस P1 से। तो ये देखो P1 से मैंने पोल स्पॉन किया, आपको लग रहा होगा कि ऊपर स्पॉन हुआ है पर ऐसा नहीं है, ये अंदर स्पॉन हो चुका है कंटेनर के। और मिथ में ऐसा लिखा है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर स्पॉन करना है तो हमें उसके ऊपर खड़े होना पड़ेगा। तो रैम से चढ़ के ना सीधा कंटेनर पर जंप लगाते और पहुँचते। भाई ये क्या लॉन्ग जंप मार रहा है क्या? अबे ओलंपिक में आया क्या, इतनी लंबी जंप कैसे मार दी इसने? यार ये गलत बात है भाई, बिल्कुल बाहर ही कूद गया। कोई बात नहीं, इस बार मैं कूदूंगा ही नहीं, वो सही रहेगा, तो फिर ये दूर नहीं जाएगा। ये बहुत सही बेटे, मुझे लग नहीं रहा ये जाने के मूड में है कंटेनर के ऊपर। अब मैं कोने से जाके नीचे ही उतर जाऊंगा, कोई चांस ही नहीं है बाहर गिरने का। ये देख लो भाई, तुम देख लो ये कैसी हरकतें कर रहा है, ये नहीं जाएगा। जेट पैक ही अब फाइनल रास्ता इसके ऊपर से आने का, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हमने। अब करते हैं P1 से वापस से पोल को स्पॉन और आप देख सकते हो कि ये पोल इस बार कंटेनर के ऊपर स्पॉन हुआ है गाइस। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, अगर आप कुछ भी बिल्ड करना चाह रहे हो तो किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के करना है तो दूसरी चीज़ ऊपर स्पॉन हो जाएगी। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि न्यू ZX10R में की लगी होती है। तो हमारे न्यू अपडेट में न्यू ZX10R आई है जिसका चीट कोड है 400। ठीक है, मॉडल रिप्लेस हो चुका है। तो जूम करके देखते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइस की है, व्हाइट कलर की आपको दिख रही होगी। और अगर यहाँ से नहीं दिख रही तो मैं दूसरे एंगल से दिखाता हूँ, यहाँ से जरूर दिखेगी। ये देखो ये रही, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि पहले बुलेट गोल्डन ब्राउन कलर की आती थी पर अब ब्लैक कलर की आती है। तो गाइस ये हमने कल भी देखा था हमारे अपडेट वाली वीडियो में, 9999 से अगर बुलेट स्पॉन करते हो तो अब बुलेट का मॉडल भी चेंज हो चुका है, अब ब्लैक कलर की बुलेट आ रही है। पहले बिल्कुल फौजी कलर वाली बुलेट आती थी जो कि अच्छी भी लगती थी, ये भी ठीक लग रही है लेकिन वो ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि न्यू अपडेट के बाद समंदर के पास जाके स्काईफॉल करने में पानी गायब नहीं होता है। तो गाइस अगर आपको याद होगा पिछले अपडेट में जब हम समंदर के पास स्काईफॉल करते थे तो पूरा पानी गायब हो जाता था, तो अब हम लोग वापस यही चेक करने जा रहे हैं क्योंकि इनने बोला ये हट चुका है। तो स्काईफॉल मैंने लगाया 1120 से और नीचे देखते, भाई नीचे यार सब गायब हो चुका है, मुझे सिर्फ बीच दिखाई दे रहा है, पानी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा नीचे आने के बाद ही पानी दिखाई देता है। और वाओ, मुझे तो लग रहा है मेरा खून भी निकला इस बार पानी में। लेकिन गाइस ये जो मिथ है ये बस्टर्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप RGS टूल में P1 लिख के उसको स्पॉन करके फिर नाइट मोड करोगे P1 को तो देखो उसकी लाइट जलती है। तो गाइस P1 से होता है पोल स्पॉन, अभी बताया था मैंने आपको। तो ये पोल जो है ये स्ट्रीट पोल है, ठीक है, अब इसमें लाइट तो जलनी चाहिए लेकिन हमने स्पॉन किया है तो देखते क्या होता है। नाइट मोड करते हैं 9 से और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी भाई बाकी पोल्स की तरह लाइट देता है। तो गाइस सही है, वैसे इसकी लाइट किसी काम की है नहीं क्योंकि लाइट मुझे लग नहीं रहा रोशनी दे रही है। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि JCB के ऊपर GTR स्पॉन करो फिर वह GTR फ्लाइंग GTR बन जाएगी। ठीक है गाइस, तो JCB स्पॉन करते हैं 6677 से। निसान GTR के चीट कोड है 3005, आ चुकी है इसके ऊपर। अभी लग रहा है थोड़ा टाइम ले रही है वार्म अप करने में, भाई बहुत तेज वाइब्रेट हो रही है, कुछ तो होने वाला है खतरनाक, बहुत खतरनाक ही हिल रही है GTR और JCB। मुझे लग रहा है कि उड़ने वाली है, दोनों भी टेक ऑफ करने वाले हो गया। भाई साहब ये क्या, वो तो वहां जा रही है उड़ के पेड़ के पास और JCB कहाँ गई? JCB उस साइड उड़ रही है भाई, ये थोड़ी और लेट गिरी जबकि ये भारी थी और नीचे भी थी। फिर से करके देखते हैं एक और टेक, मुझे देखना है क्या होता है इस बार। ये कर दिया स्पॉन, अभी देखो स्टार्टिंग में ना शांत रहती है थोड़ी, उसके बाद भाई क्या ही झटके मार दिए और अब मुझे लग रहा है फिर से टेक ऑफ के लिए निकलेगी। बहुत तेज हो रहा है, गर्म हो गई है मशीन और निकल गई। वो जा रही JCB और वो जा रही GTR गाइस, फ्लाइंग GTR। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है।
हमारा ग्लैमित यही कि पहले एक कार स्पॉन करो फिर कौन स्पॉन करो तो कार जंप मारेगी। ठीक है, पहले कार स्पॉन करते हैं 4000 की चीट कोड से पोर्शे को। अब कौन आता है? P2 से गाइस। अगर आप आरजीएस टूल में P2 लिखते हो तो कौन आ जाएगा? तो कौन लाते हैं और कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी सी गलती से मैंने आगे स्पॉन कर दी, हमें कार के ऊपर स्पॉन करनी पड़ेगी। हाँ, अभी जंप मारी हल्की सी कार ने, लेकिन उतनी कोई खास जंप नहीं थी। अब करते हैं वापस। हाँ, अब आइए। ओके भाई, देखो मैं अंदर स्पॉन कर रहा था तो जो कोन से ना कार जंप मार के थोड़ी साइड हट जाती है, लगता है कोन को अपने ऊपर स्पॉन होने देती नहीं है। ये क्या हुआ भाई साहब, मैंने कोन को अंदर क्या स्पॉन किया, ये तो पूरे इसके पुर्जे बाहर आ गए, पूरी गाड़ी ही अलग हो चुकी है इधर। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप कितने भी वॉल लगाओगे ट्रेन के सामने तो ट्रेन वॉल के आर पार हो जाएगी गाइस। तो ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस ट्रेन के सामने ना वॉल स्पॉन करने जा रहा हूँ। W1 से होता है RGS टूल से, और वॉल मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, कम ही करूँगा, क्योंकि भाई हो सकता है कि ये ट्रेन ग्लिच हो जाए। अगर ये ट्रेन ग्लिच हुई और वॉल को तोड़ते हुए नहीं निकली तो फिर आप 1000 वॉल भी लगा दो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वॉल स्पॉन करके देखते हैं, अगर उन सबसे ग्लिच हो गई तो फिर वो सबसे आर पार हो ही जाएगी। आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखो मैंने कुछ वॉल स्पॉन करी है, ट्रेन का इंजन फॉरवर्ड कर दिया है, देखते हैं क्या होता है, वॉल गिराएगा कि नहीं गिराएगा। ओके, वॉल नहीं गिराया है। ये देखो मैंने बोला ही था ये ग्लिच हो जाएगी ट्रेन, और ये बिल्कुल ही आराम से हारपा निकल जाएगी। और कितने भी वॉल लगा दो फिर यार फर्क पड़ेगा नहीं। ब्रेक करके एक बार बैकवर्ड की तरफ करके देखते हैं, शायद उससे कुछ अलग हो जाए। नहीं, पीछे की तरफ भी कुछ नहीं हो रहा है गाइस, यहाँ पे पीछे भी बिल्कुल नॉर्मल जा रही है ट्रेन, तो ये आर पार ही जाएगी। यहाँ पे कुछ भी खड़ा कर दो आप, हाउस वगैरह कुछ भी। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि एयरपोर्ट की फ्लोरिंग चेंज हो गई है। तो गाइस अभी ना न्यू अपडेट आया है, और इसमें है ना एयरपोर्ट की जो फ्लोरिंग है वो सच में चेंज कर दी गई है। ये जो फ्लोर थी ना ये पहले हुआ करती थी अपडेट के, अभी पता नहीं ऐसा क्यों वापस कर दी गया, क्योंकि अभी जो पेमेंट आई थी पिछले अपडेट तक वो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगती थी। और सिर्फ एयरपोर्ट में ही नहीं, एक और जगह ये फ्लोर चेंज करी गई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप गैस स्टेशन पे आते हो ना तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि यहाँ की फ्लोर भी एयरपोर्ट जैसी कर दी गई है, और बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी सा लग रहा है। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि आरजीएस टूल में पहले हेल लिखो फिर जल्दी से जेट लिखो तो एक आवाज़ होगी और आपके ऊपर जेट गिर जाएगा। तो मैं आ चुका हूँ बिल्डिंग के ऊपर, जल्दी से लिखता हूँ हेली, और अब जल्दी से लिखते हैं जेट। अरे यार हेट लिख दिया, जेट लिखना है JET जेट। हो गया, आवाज़ नहीं आई लेकिन आ गई गाइस। ठीक है, ब्लास्ट हुआ है और जेट लग रहा है गिरेगा, लेकिन यार मुझे तो दिख ही नहीं रहा, लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ही भीड़ भड़क्के वाले एरिया में ये कर दिया, क्योंकि मुझे ना हेलीकॉप्टर और जेट दिखाई नहीं दे रहे। थोड़े ना ओपन एरिया में ये चीज़ करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं, ये ओपन एरिया है तो मुझे दिख जाएंगे दोनों। हेली मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ ये, अब जल्दी से जेट लिख देते हैं। ब्लास्ट होना चाहिए, ब्लास्ट हो चुका है। अब ब्लास्ट हो गया है तो शायद वो दोनों नीचे आके गिरेंगे, और यहीं गिरने चाहिए। देखता हूँ यार, ऐसा दिख तो है नहीं रहा, और जेट पैक से जाऊँगा तो मेरे को तो लग रहा है टाइम नहीं जा रहे। मुझे परछाई दिखी जेट की, यार मेरे को लग रहा है फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से लिख दिया है, ब्लास्ट हो चुका है। अब मैं यहीं देखूंगा भाई, यहीं देखूंगा गिरते हुए आएगा, दिखेगा थोड़ी देर, बस देखना है मुझे भाई यहीं गिरना, प्लीज़ दिख जाना। ओके, आ गया हेलीकॉप्टर दिख गया मुझे, तो भाई यहीं पर गिरते हैं वो। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि RGS टूल में TC1 लिखो तो ट्रेन विद कंटेनर आ जाएगा। भाई साहब, मतलब TC1 वाला कोड भी आया क्या? एक सेकंड, अभी करके देखते हैं। C1 से कंटेनर आता है मुझे मालूम है, और T1 से तो ट्री आता है। T1 से देखो ट्री आ गया, अब डालता हूँ मैं TC1 और देखते हैं क्या होता है। गाइस यहाँ पे TC1 डाल दिया है, ट्रेन के बगल में ही स्पॉन करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ यार, T1 C1 तो नहीं डालना, फिर से करके देखते। अरे यार कोई न्यू ट्रेन नहीं आ रही, तो ये मिथ बस्टेड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट कर देना गाइस अपने अपने मिथ्स, ताकि हम उनको ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो आपको देख रही हूँ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।